तो हम बात करेंगे आज एसबीआई की हिस्ट्री के बारे में कि एसबीआई का इतिहास शुरू हुआ है तब से आज तक के बारे में बात करेंगे कि एसबीआई में क्या क्या चेंजेस काफ़ी हुए थे, कब कब एसबीआई नाम आया इसका, कब किस टाइम पर इसका क्या नाम था। दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भाई इसमें नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले एक बैंक बना था 2 जून 1806 में जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। अगर दोस्तों इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एसबीआई की नींव रख दी गई थी 1806 में, 2 जून 1806 में एसबीआई की नींव रख दी गई थी। देखो एक बैंक था पहले उस टाइम पे मुंबई नहीं बोलते थे, पहले उस टाइम पे उसका नाम बम्बई बम्बई था, बम्बई तो बॉम्बे बोलते थे, कोई बम्बई बोलता था। तो दोस्तों पहले था बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में बना, एक बैंक था बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में बना था। तो दोस्तों इनका क्या हुआ, ये दोनों तीनों कंबाइंड हुए, जब ये इन तीनों को मर्ज किया गया तो एक नया नाम दिया गया जिसका नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 27 जनवरी 1921 को इम्पीरियल बैंक के नाम में कन्वर्ट कर दिया गया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। तो देखिए दोस्तों जब एसबीआई बैंक के अब सॉरी इम्पीरियल बैंक के नाम से जाना जाने लगा, अब हुआ क्या, बाद में इसका नाम 1 जुलाई 1955 को इसका नाम एसबीआई रखा गया, मतलब बना दिया गया, इसे एसबीआई नाम से जाना जाने लगा एक एक्ट के तहत जिस एक्ट का नाम था एसबीआई एक्ट 1955। दोस्तों अगर मैं इससे पहले एक वीडियो डाला था उसमें आपसे नेशनलाइजेशन के बारे में बात की थी, राष्ट्रीयकरण के बारे में बात की थी। तो दोस्तों अगर विकिपीडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 जून 1956 को राष्ट्रीयकरण हो चुका था, इसका कर दिया गया था।